क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का? ठीक ठाक है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी वालदा के साथ बाजार सामान लेने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या ले रहे हैं, क्या करेंगे। तो गुजरा वाले में आपको दिखाती हूँ बाजार। हम जा रहे हैं बाजार, बाजार से जाके लेंगे सामान। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गुजरा वाला की गलियाँ। लाहौर है और ये गुजरांवाला है। मैंने सिर्फ ये बताया कि लाहौर लाहौर है, सो लाहौर लाहौर है। यहाँ पे ले रहे हैं हम सामान, गुजरांवाला में है बहुत ही ज्यादा रश। ये है शॉप, ये पता नहीं कौन सी जगह है। पता नहीं कौन सी मंडी है, पर मंडी है। मैं यहाँ पे हूँ बाजार में, सामान ले रही हूँ, वालदा भी सामान ले रही है। तो उसके बाद हमें लेना है चिकन और उसके बाद हम जाएंगे घर। मुझे ये पता नहीं है बाजार कौन सा। ये स्टोर है जहाँ से सामान हम लोग ले रहे हैं। ये देखें, हर बारी जब भी गुजरा वाले आते हैं ना तो यहाँ से ही सामान लेते हैं। मैं जा रही हूँ मुर्गी लेने, मैं दिखाती हूँ सामने। इधर ही आसपास सब्जी वाले भी हैं। मुर्गी का रेट देखिए, यहाँ भाई से ले रही हूँ मैं मुर्गी। ये शॉप है इनकी। ये मुर्गी तैयार हो रही है, जैसे ही तैयार होते तो मुर्गी लेके कुछ जाते हैं। अम्मी वहाँ खड़े होकर सामान ले रही हैं और बस आगे जाएंगे, सब्जी लेंगे, वहाँ से सब्जी लेंगे। और ये रेट है मुर्गी का। ये हम आए हैं गुजरांवाले की सब्जी मंडी लगा लें। यहाँ पे गुजरा वाले हम आए हैं ना, तो गुजरा वाले में आलू 100 रुपए के 4 किलो मिल रहे हैं और 100 रुपए की 80 रुपए की किलो गाजरें हैं, 100 की गोभी है बंद गोभी किलो। तो आगे देखते क्या ले। गुजरा, अच्छा वैसे गुजरा वाले की जो अम्मी सब्जी मंडी है साफ सुथरी है। यहाँ से हम ले रहे हैं गोभी, पर्पल गोभी भी है और ग्रीन गोभी भी है और शिमला गाजर ये सब लेना है, क्योंकि आज अम्मी ने बनाना है चाइनीज खाना। सारा ले आए हैं, अब मैं जा रही हूँ यहाँ पास के स्टोर में और चीजें लेने। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आज आके चलते हैं। चले, मैं आई हूँ यहाँ स्टोर पे। तो यहाँ से हम लेंगे चीजें, वहाँ पे है स्टोर।
चलो यहाँ से मैं आई हूँ सामान लेने, मुझे लगी थी भूख भी, नाश्ता मैंने किया नहीं हुआ, टाइम हो गया 2 बजे के करीब का। मैं यहाँ से लूँगी बर्गर और उसके बाद जाऊँगी यहाँ पे सामने से सामान लूँगी। इस दुकान से मैं ले रही हूँ नान पकौड़े, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था खाने को नान पकौड़े। ये देखें दोनों लगे हैं नाश्ता और अम्मी बना रही हैं ये सब्जी वगैरह। अल्लाह से अम्मी बना रही हैं आज सूप, वेजिटेबल सूप। और ये देखें साथ साथ इसमें हम डालेंगे एग। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब क्या डालने लगे हम? कॉर्न फ्लोर डालेंगे अब। देखो इतना गाढ़ा करना है या और गाढ़ा करना है? अम्मी मेरी बना रही है, क्या बना रहे हैं अम्मी? चिकन शाशलिक। और इधर सबको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, बेटों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरे बच्चों की ना मेरी नमासी की और पोती की सालगिरह, तो उनके लिए मैंने सारा खाना तो मैं बना रही हूँ। उनके वो कहते दादो आप ही बनाए नाना, तो मैंने इसीलिए मैं किचन में आई हुई हूँ आज। और ये चिकन शाशलिक बना रहे हैं और चिकन एग फ्राइड राइस बनाएंगे, सूप बनाया है। और दुपट्टा मैंने लिया नहीं हुआ क्योंकि सुगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ, तो ये सिर्फ बच्चों की वजह से मैं इधर आई हूँ। देखिए मेरी मम्मा बना रही है फ्राइड राइस, माशाल्लाह से। देखें माशाल्लाह, हाँ ये देखें सूप है और ये मेरी सिस्टर ने लगाया है मछली को मसाला लगा के रखे। अभी हम इसको इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी माँ ने बना लिए हैं फ्राइड राइस। अभी इस तरह रेडी किया, अभी इनमें डालना है हमने माशाल्लाह से अंडे भी। माशाल्लाह ये तैयार हो गए हैं फ्राइड राइस। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने कर लिए हैं तैयार फ्राइड राइस और हमारा माशाल्लाह से चिकन शाशलिक। ये देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तैयार करूंगी और मेरी भांजी हम स्पैगेटीज तैयार करेंगे। और पकीज़ा का केक, आप लोगों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। केक हमने काट लिया पर जो भी है ब्लॉग। असल में ना मैं सो गई थी, मेरी ना तबीयत नहीं सही हो रही, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो केक वगैरह कटिंग कर ली है, खाना वगैरह खा लिया, टोपी इसलिए पहनी है सर्दी लग रही थी। और बस अब आके देखिए क्या करते हैं, खाना वगैरह भी खा लिया, केक वगैरह अब्रिश भी खा रही है। तो हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, मगर जो भी किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश है, अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत अली ज़िंदगी दे। तो ये मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा और बताएगा। तो हम मिलेंगे अपने इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखेगा, बहुत सारी दुआएं। मुझे सर्दी लग रही थी, सिर में दर्द हो रही थी, मैं सो गई थी, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अदा करे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे बहुत सारी। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बहन के बेटी के, अल्लाह हर माँ बाप बहन भाइयों को अपनी जुमान में रखे, हर एक के माँ बाप को सलामत रखे और मेरे नसीब भी अच्छे करे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और
50K पे ले जाए मेरा सारा, तो उसके बाद हम 100K भी करेंगे इंशाल्लाह।